तो ये है हमारे पास विंडोज 7, और हम विंडोज 7 में एक एरर के बारे में बात करेंगे आज। जैसे ही विंडोज 7 इंस्टॉल हो जाती है और आप कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है। देख लीजिए ध्यान से आप, ये जो एरर है कर्नल 32 की एरर है, कर्नल 32 DLL को फाइल नहीं मिलती है। तो यदि आपको ये एरर शो हो रही है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। इसके लिए हम आपको डायरेक्टली आपको ले चलते हैं। वैसे एक बार और बताएं कि किसी कोई भी ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, तो ये सेम ही एरर आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि एक पैच है जो विंडोज 7 का, वो उसमें इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें नेट पर काफ़ी सारा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो सबसे आसान तरीका है, हम आपको सिंपली इसको ले चलते हैं आपको। और ये है वो जो फाइल है, जो पैच डाउनलोड करना है आपको, वो है KB2533623। आप इसको जैसे ही इस गूगल में जाके एंटर करेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो विंडोज 7 का जो छोटा सा पैच है, आप इसको फिर क्लिक करेंगे इस पर, तो इस पर क्लिक करेंगे सीधे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर ले जाएगा, और वहाँ से इस पैच को आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो जो एरर है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी आपकी, और आप सारे ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, जब तक ये डाउनलोड होता है। आपको नेक्स्ट पेज पर जब आता है तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पर आपको शो करेगा। तो ये आपको जो पेज ओपन होगा वो इस तरीके से ओपन होगा। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ये जो फाइल है का नेम हमने बताया था आपको KB2533623, ये वही पैच है। और ये पैच आ चुका है, हम यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं सिंपली। और डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड होना शुरू हो गया है और ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। और इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर जी इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है। और ये सेम पेज है और इस पेज को अभी हम इंस्टॉलेशन चल रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपने कोई भी ड्राइवर या कोई भी चीज़ हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो आसानी से इंस्टॉल हो पाएंगे। फिर इसका जो एरर आ रही थी वो एरर कर्नल वाली एरर शो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो रीस्टार्ट कर लीजिए, या बाद में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार हम इसको सॉफ्टवेयर को रन करके देखते हैं, अभी भी रिस्टार्ट है, हो सकता है इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसको हम रिस्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि पैच जब भी इंस्टॉल होते हैं तो रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है। तो रिस्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। अभी देखिए विंडो कॉन्फ़िगर कर रहा है क्योंकि ये पैच रिस्टार्ट कॉन्फ़िगर हो रहा है। और कॉन्फ़िगर होने के बाद जैसे ही रिस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम हमारा, हम दोबारा से उस अपने ड्राइवर्स को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे और वो जो एरर शो कर रहा था पहले वो एरर शो नहीं होगी, क्योंकि हमने इसका जो विंडो 7 का जो एक पैच था कर्नल DLL का, वो पैच हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि कभी उनको ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो भी इसका सॉल्यूशन यहाँ से ले सकें। हम फिर से चले जाते हैं, हमने अपने ड्राइवर्स को अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ है और हम पेन ड्राइव से फिर से इंस्टॉल करते हैं अपने ड्राइवर्स को। और जी बता दें ये एथरनेट कंट्रोलर ड्राइवर था। देखिए अब ये एरर शो नहीं हुई है जैसे कि पहले एरर शो कर रहा था, यानी कि हमें वो सॉल्यूशन मिल गया है। तो यही था सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।